हरे कृष्णा। आज हम लोग ये चर्चा करेंगे कि वेदास में और विज्ञान में इक्लिप्स के बारे में क्या कहा गया है। कुछ लोग बोलते हैं जो वेदा में लिखा गया है वो अनसाइंटिफिक है, और कुछ लोग बोलते हैं जो विज्ञान में वो है लेकिन हमारा श्रद्धा हमारे पास है। क्या दोनों में कोई समानता है? अभी रिसेंटली जब सूर्य ग्रहण हुआ लोग आपस में फाइटिंग में लग गए। ये जो सुपरस्टिशंस हैं, ऐसे अंधविश्वास आज के दिन भी बड़े कॉमन हैं। स्पेशली जब कोई फर्जी बाबा इंग्लिश में बोलने लग जाए कि सोलर एक्लिप्स के दिन आपको नहीं खाना चाहिए, आपकी सेहत के लिए खराब हो जाएगा, तो और उसमें लोग विश्वास करने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ अंधविश्वास कई तरह के हैं। कुछ लोग कहते हैं खाना नहीं खाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं बाहर नहीं जाना चाहिए, कुछ कहते हैं कि एक्लिप्स के टाइम पर पूजा नहीं करनी चाहिए, कुछ कहते हैं सोना नहीं चाहिए, कोई नया काम नहीं शुरू करना चाहिए, ढेरों ऐसी चीजें कही जाती है। कौन सही है कौन गलत है? आइए हम लोग आज स्टडी करते हैं कि जो साइंस में है जो वेदास में है क्या उनमें कोई समानता है या नहीं है। आइए देखते हैं। मॉडर्न साइंस के हिसाब से सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूरज चांद और पृथ्वी एक लाइन में आते हैं। तो पृथ्वी का एक पार्ट में जो लोग हैं वो सूरज को देख नहीं पाते हैं क्योंकि चांद बीच में आ जाता है, उसको बोलते हैं सोलर इक्लिप्स। और लूनर इक्लिप्स कब होता है? जब चांद का ये जो ऑर्बिट है जब वो अपोजिट ऑर्बिट में पहुंचता है तब भी वो स्ट्रेट लाइन में आते हैं तीनों। उस टाइम क्या होता है पृथ्वी में जहां पर रात हो रहा है, क्योंकि चांद कब दिखता है? जब सूरज का रश्मि उसके ऊपर गिरेगा तभी जाकर दिखता है चांद। तो इसलिए जब वो स्ट्रेट लाइन में आते हैं सूरज का रश्मि चांद के ऊपर नहीं गिरती है, तो पृथ्वी का जो यहां वाला हिस्सा का लोग है वो चांद को देख नहीं पाते हैं, इसको बोलते हैं लूनर इक्लिप्स। अब आपके मन में सवाल आएगा पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमता है 365 डेज में, चांद पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है 28 डेज में, तो एवरी 14 डेज एक ऐसा टाइम आएगा जब ये तीनों स्ट्रेट लाइन में हो गए, है कि नहीं? तो एवरी मंथ एक सोलर इक्लिप्स आना चाहिए, एवरी मंथ एक लूनर इक्लिप्स आना चाहिए। इसका मतलब साल में 12 बार सोलर इक्लिप्स आना चाहिए, 12 बार लूनर इक्लिप्स आना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? उसके लिए थोड़ा सा हम लोग को इन डेप्थ समझना पड़ेगा, राइट? तो इन डेप्थ में हम लोग जब देखेंगे तो ये है सूरज, ये पृथ्वी का ऑर्बिट, पृथ्वी यहां पर घूम रही है। तो ये बोला गया है जो चांद का जो ऑर्बिट है जो पृथ्वी के चारों तरफ वो घूमती है वो ऑर्बिट पैरेलल नहीं है, वो टिल्टेड है। वो कैसे टिल्टेड है? 5 डिग्री टिल्टेड है। इसलिए ना कि सेम लाइन होना पड़ेगा तीनों को, एट द सेम टाइम सेम प्लेन भी होना पड़ेगा। इसलिए हम लोग देखते हैं कि हर महीना सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण नहीं होता है, वो बहुत रेयर इवेंट्स होता है, क्योंकि वो सेम लाइन सेम प्लेन होना चाहिए। अब ये हो गया साइंटिफिक पर्सपेक्टिव। अब वेदास में क्या लिखा गया कि राहु और केतु है, राहु और केतु दो प्लैनेट है, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। कैसे हम लोग आइए डिस्कस करते हैं। तो वेदा यहां पे एक स्टेप इनवर्ड जाता है और फॉरवर्ड, कैसे मैं बताता हूं आपको। सो राहु केतु कौन है? दे आर प्लैनेट्स एंड दे आर पोजिशन एट द नोड्स। तो ये जो पोजीशन है इसको, इस पोजीशन को बोलते हैं नोड्स। नोड्स मतलब जहां पे, जिस पॉइंट में जब सूरज और चांद आ जाता है वो स्ट्रेट लाइन सन के साथ हो जाता है, वो पॉइंट्स को नोड्स बोलते हैं। एक नॉर्थ में है एक साउथ में है, इसको नोडल पॉइंट्स भी बोलते हैं। तो वैदिक जो पर्सपेक्टिव्स है, वैदिक पर्सपेक्टिव जो है वो इसको मानता है, जो साइंस बोलता है वो इसको मानता है वैदिक पर्सपेक्टिव, बट वो एक स्टेप और फॉरवर्ड जाता है। क्या बोलता है? जब इस नोड्स में सूरज और चांद पहुंचते हैं उसी वक्त उसी नोड में राहु अथवा केतु जो प्लैनेट है वो रहते हैं, ठीक है? राहु और केतु हमें दिखता नहीं, क्यों? दीज आर नॉन लाइट रिफ्लेक्टिंग प्लैनेट्स। हम लोग को, हमको कोई चीज दिखता है कब? जब उससे लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों में गिरता है। तो दीज आर नॉन लाइट रिफ्लेक्टिंग प्लैनेट्स। ये कोई ऐसा नहीं कि ऐसा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता है, साइंस में भी वो लोग बताते हैं कि हम लोग के पास क्या है, ब्लैक होल्स है, ठीक है ना, वो ब्लैक मैटर्स है, एंटीमेटर और ब्लैक मैटर।
तो ये सब ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है जिसको हम लोग देख नहीं सकते। तो इसी तरह शास्त्र ये बताते हैं कि राहु और केतु जो है वो नॉन राइट रिफ्लेक्टिंग प्लैनेट्स है, इसलिए हमें दिखते नहीं। वो कहाँ रहते हैं? नोड्स में। तो नोड्स में जब क्योंकि रहते हैं वो, उसका जो एक्सिस होता है, फॉर एग्जाम्पल देखिए मानो कि ये राहु का ऑर्बिट है, ठीक है। तो जब सूरज चांद और पृथ्वी एक लाइन में आता है, उसी टाइम राहु अथवा केतु उसी लाइन में आ जाता है। तो इसीलिए उसका इफेक्ट सूर्यग्रहण में आता है। अब आप लोग बोलेंगे बिना इसके तो ये सारा चीज एक्सप्लेन हो रहा है, तो इसका क्या जरूरत है ना? इसका जरूरत इसलिए है कि शास्त्र में बताया गया है, अगर हम लोग साइंस को देखेंगे, साइंस क्या करता है? साइंस एक्सप्लेन द फिजिकल इवेंट। जो भी यहां पे फिजिकल इवेंट हो रही है, फॉर एग्जाम्पल चांद सूरज और पृथ्वी एक लाइन में आते हैं, एक प्लेन में आते हैं, तो चांद सूरज को ढक देता है और पृथ्वीवासी उसको देख नहीं पाते, ये फिजिकल इवेंट बताते हैं। बट इसके साथ जो इनऑस्पिशियसनेस है, जो अशुभ घटनाएं होती इस टाइम में, उसको साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो ये शास्त्रों का ये वर्णन है। तभी तो हर समय हमारे पास अशुभ चीजें होती रहती है, हर समय एक्सीडेंट कोलैप्स ब्रिज कलयुग में होता रहता है। लेकिन पहले संसार में इतना अशुभ चीज नहीं होती थी। एग्जैक्टली जब इक्लिप्सेस आते हैं तभी बहुत सारे अशुभ चीज घटित होती है संसार में। और जो इनऑस्पिशियस इवेंट्स होता है वो होता है राहु और केतु के बार प्रेजेंस के लिए। और इस राहु और केतु को हम लोग पता कैसे करेंगे? क्योंकि वो इनविजिबल ऑर्बिट है उनका, इनविजिबल प्लैनेट्स को देख नहीं पाएंगे। तो सबसे बढ़िया जानना कैसे हम लोग इसके बारे में? जब वो नोड्स में रहते हैं। और नोड्स को पता करने का सही समय क्या है? इक्लिप्स। तो इक्लिप्स के समय नोड्स में कौन कौन रहते हैं? राहु और केतु। इसलिए इक्लिप्स को वो लोग गणना करके निकालते हैं। क्यों? क्योंकि ताकि हमें यह पता चल सके कि इसी टाइम में राहु और केतु भी सेम पॉइंट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनका जो नकारात्मक जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस है वो संसार में वो लोग दे रहे हैं, ठीक है। अब बोलेंगे हम लोग इसको एक्सेप्ट क्यों करेंगे? तो हम लोग देखेंगे शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र जो है, जो वेदा के ऊपर बेस्ड है, और अभी भी आप कहीं जाएंगे अपने आसपास जो पंचांग होता है, पंजिका होता है, वहां पे देखेंगे वो लोग कोई एस्ट्रोलॉजी कोई फिजिक्स अप्लाई नहीं करता है। मॉडर्न साइंस आने से कई हजारों सालों पहले से दे कैन एक्यूरेटली प्रेडिक्ट इक्लिप्स टाइम। ये बहुत आश्चर्य का चीज है, एक्यूरेटली प्रेडिक्ट इक्लिप्स टाइम। और बोल एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करते हैं राहु और केतु को कंसिडरेशन में लेके। अगर ये सब एग्जिस्ट नहीं करता है, अगर ये सब मैथोलॉजी है, तो बोलो कैसे एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर रहे थे इक्लिप्स का टाइम को? इसका मतलब इसके पीछे कुछ ना कुछ सच्चाई है कि नहीं? मॉडर्न साइंस भी जो हम लोग देखते हैं स्पेकुलेटिव है। जो स्पेकुलेटिव जो ब्रह्मांड के बारे में हम लोग देखते हैं, केवल 5% इज एक्सेसिबल। ये साइंटिस्ट मानते हैं कि पूरा विश्व ब्रह्मांड केवल 5% जो है उसको हम लोग देख सकते हैं या ऑब्जर्व कर सकते हैं या उसको हम लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं उसके ऊपर। 95% इज अनऑब्जर्वेबल। तो इस केस में भी हम लोग को वी रिक्वायर फेथ टू बिलीव इन साइंस ऑल्सो, बिकॉज ओनली 5% हम देख सकते हैं। सिमिलरली शास्त्र में भी हमें इतने सारे चीज जो हमारे ज्ञान के बाहर है उसको एक्सेप्ट करने के लिए हमें भी यहाँ पे फेथ चाहिए। तो फेथ नॉट ओनली इज रिक्वायर्ड इन शास्त्र, इन साइंस ऑल्सो, बिकॉज 95% ऑफ थिंग्स आर अनऑब्जर्वेबल। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे ये राहु केतु है कौन। सो राहु केतु जो है दे आर, सो शास्त्र यहां पे एक स्टेप और जाता है, कहने का मतलब यह है कि देयर आर कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स। तो ये सारे चीज जो है ये कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स है, ब्रह्मांड में जो वस्तु है सूरज चांद राहु केतु पृथ्वी। और इस कॉस्मिक ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए कॉस्मिक बीइंग्स है। साइंस यहां पर अटक जाता है। मान लीजिए कि ये कोई गलत चीज नहीं, मान लीजिए कि एक ट्रेन चल रहा है,
तो बच्चा देख क्या बोलेगा ट्रेन को, ये ट्रेन चल रहा है देखिए कितना मजेदार चीज है, ऑटोमेटिक चलते जा रहा है चलते जा रहा है। लेकिन अगर वही ट्रेन को एक बड़ा व्यक्ति देखेगा वो क्या सोचेगा, ये ट्रेन के अंदर एक ड्राइवर है, वह ड्राइवर वो ट्रेन को चला रहा है। तो ये मानना कोई बहुत बड़ी आश्चर्य का बात नहीं है कि जितना भी कॉस्मिक ऑब्जेक्ट से उसके पीछे कॉस्मिक बींग से जो उसको चला रहे हैं, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो वो कॉस्मिक बींग्स कौन कौन होते हैं इस केस में, जैसे मान लीजिए कि डेमी गॉड से, तो हम लोग देखते हैं कि शास्त्र के हिसाब से सन गॉड है ना, मून गॉड है, और राहु केतु क्या होते हैं, वो लोग डीमंस और डेविल्स होते हैं राहु और केतु, राइट। तो हमेशा अक्सर हम लोग देखते रहते हैं कि संसार में बुराई और अच्छाई में हमेशा फाइटिंग चलता रहता है, अपने अंदर भी एक अच्छा क्वालिटीज होता है एक बुरा क्वालिटीज होता है, उन दोनों में हमेशा फाइटिंग चलता रहता है और जो जीतता है वो मैनिफेस्ट होता है कि नहीं। सिमिलरली ये अगर हम जो हमारा अंदर चल रहा है उसको अगर बाहर हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे तो देखेंगे कि हमारे डेमी गॉड्स कहाँ रहते हैं, स्वर्ग में रहते हैं, डीमंस अपने लोक में रहते हैं पाताल लोक में, तो उन लोग के बीच में एक परपेचुअल बैटल चलते जा रहा है, डेमीगॉड्स वर्सेस डीमन, डेमीगॉड वर्सेस डीमंस, राइट। क्या होता है कभी कभी ऐसा टाइम आता है जब डीमंस लोग डेमीगॉड्स के ऊपर हावी हो जाते हैं, है ना, और ये एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे डीमंस लोग डेमीगॉड्स पे हावी हो जाते हैं, राहु और केतु सूरज और चंद्र के ऊपर हेवी हो जाते हैं। तो शास्त्र में लिखा गया है कि कोई अगर बोलता है मॉक करता है टीवी पे देखा हुआ होता है कि राहु आता है और निगल लेता है उसको अंदर। से पहले लोगों की कॉमन नॉलेज होती थी कि एक्लिप्स होने का मतलब है कि हमारे सूरज को किसी राक्षस ने निगल लिया है। कहानी कुछ ऐसी थी कि देवता और असुर ने एक समुद्र मंथन किया अमृत पाने के लिए। जब अमृत का मटका निकला तो भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप लिया और ये अमृत देवताओं को पिलाया जा रहा था। इस समय पर एक असुर जिनका नाम था स्वरभानु, वो देवताओं के बीच में बैठे थे और उन्होंने अमृत पी लिया। जैसे ही ये चीज भगवान विष्णु को पता चली तो उन्होंने उसका सर काट दिया। उसके सर को हम कहते हैं राहु और उसकी बॉडी को कहते हैं केतु, और इस माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग ये राहु और केतु ही एक्चुअली में सूरज को निगलते हैं। इस कहानी को मेंशन किया गया है ऋग्वेद मंडल 5 हिम 40 श्लोक 5 से 9 अंदर। ये लोग बोल के मजाक उड़ाते हैं, एग्जैक्टली बोलेंगे तो क्या होता है, डिवोर करते हैं, भागवत में लिखा है कवर करते हैं, इट कवर द सन और द मून, कवर करता है, और डिवोर करना लिखा रहता है इसका मतलब क्या, खा लेना मतलब क्या होता है कि मतलब फिजिकली नहीं खाना होता है। जैसे मैं बोलता हूं कि मुझे डर खाया जा रहा है, इसका मतलब क्या, डर मुझे खाया जा रहा है क्या, तो ये एक मेटाफोरिकल सेंस ऑफ टॉकिंग होता है कि उसको खा जाता है, निगल लेता है उसको, है ना। निगल लेना मतलब प्रैक्टिकली निगल लेना नहीं होता है, मतलब उसको कवर कर लेता है, उसका मैनिफेस्टेशन, जो सूरज का मैनिफेस्टेशन क्या है, उसका ल्यूमिनोसिटी है। तो सन का क्या है, ल्यूमिनोसिटी होता है, सन अपना लाइट देता संसार को, तो उसका मैनिफेस्टेशन होता है, ये दोनों को वो बंद कर देता है क्योंकि उनके सामने वो आ जाता है, इसलिए सन का जो ल्यूमिनोसिटी होता है, जो मैनिफेस्टेशन होता है, वो बंद हो जाता है। तो सूरज को कोई फर्क नहीं पड़ता, सूरज कोई इंसान नहीं है जो देखकर बोलेगा कि हाँ भाई आज मून सामने आ गया धरती के, तो चलो नई रेडिएशन छोड़ता हूं मैं। सेम चीज एप्लीकेबल है दोस्तों बाकी और अंधविश्वासों को लेकर कि खाना नहीं खाना चाहिए एक्लिप्स के दौरान। अब इसके अलावा कुछ लोगों का सुपरस्टिशन होता है कि कोई नया काम नहीं शुरू करना, क्यों भाई, क्या सूरज आकर आपसे ये कहेगा कि आज रमेश भाई ने नई जॉब एप्लीकेशन डाली है तो मैं इसका खेल बिगाड़ दूंगा। और उसी समय में क्या होता है, राहु का जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, राहु का जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस है वो हावी हो जाता है और इनऑस्पिशियस चीजें होती है संसार में। इसीलिए फॉर दिस वेरी स्पेसिफिक रीजन क्या होता है, हमें ये बोला जाता है कि तुम फिजिकल एक्टिविटी को लिमिट करो, मतलब उस टाइम में जो ग्रहण हो रहा है तुम लोग क्या करो, बॉडीली एक्टिविटी को लिमिट करो, मतलब ईटिंग, विजिटिंग आउटसाइड, रिक्रिएशन, है ना। एंड क्यों करना है सब चीज, क्योंकि आप इसके बाद बदले में स्पिरिचुअल एक्टिविटी कर सकते हैं, और जो स्पिरिचुअल एक्टिविटी करेंगे वो शायद उसको काउंटर और नेगेट कर सकता है जो नेगेटिव फोर्स है, राइट। तो इसलिए हमें यह बोला जाता है कि जब ग्रहण चल रहा है तब तुम कोई बॉडी एक्टिविटी मत करो,
या फिर कहीं घूमने मत जाओ, रिक्रिएशन मत करो, क्योंकि उस टाइम जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर होता है वो हमें अशुद्ध कर देता है और हमारे ऊपर बुरा असर पड़ सकता है उसका। इसलिए बोलते उस टाइम तुम स्पिरिचुअल एक्टिविटी करो। स्पिरिचुअल एक्टिविटी दो तरह का हो सकता है, एक होता है भागवत विधि, एक होता है पंचरात्र। ठीक है, तो जो भागवत विधि हम लोग कर सकते हैं, जपा कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, बुक रीड कर सकते हैं, भागवत गीता, लेकिन पंचरात्र जो होता है वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान का पूजा हम लोग नहीं कर सकते हैं, मंदिर बंद रहता है। क्यों? तो भगवान को पूजा करने के लिए भगवान सबसे शुद्ध है, हमें भी थोड़ा शुद्ध होना पड़ेगा। लेकिन जब ग्रहण होता है, क्योंकि हम लोग मोर्टल बींग से हम लोग अशुद्ध हो जाते हैं, इसलिए भगवान का पूजा हम लोग के लिए उस टाइम मना किया गया है, फॉरबिडन, क्योंकि हम लोग अशुद्ध होते हैं। ऐसा नहीं कि पूजा करेंगे तो भगवान अशुद्ध हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग अशुद्ध होते हैं इसलिए पंचरात्र हम लोग नहीं कर पाएंगे, डीटी वर्शिप नहीं कर पाएंगे, लेकिन भागवत विधि हम लोग कर पाएंगे। भागवत विधि के लिए उतना प्यूरिफिकेशन नहीं चाहिए, कोई भी कर सकता है, लेकिन भगवान के डीटी वर्शिप के लिए प्यूरिफिकेशन चाहिए। ये सोच रहे होंगे कि अब हम लोग इसको एक्सेप्ट क्यों करें, तो इसलिए मैं एक बहुत अच्छा सुंदर सा एग्जाम्पल मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं अभी बताऊंगा आपको, वो ये है। मान लो कि तीन कंटेनर है, तीन तरह का सॉल्ट है, सॉल्ट ए, सॉल्ट बी, सॉल्ट सी, डिफरेंट कलर का। ये है ग्रीन, ये रेड, ये ब्लू। अब मान लीजिए कि यहां पे एक बच्चा आता है, एक 5 ईयर किड आता है, वो क्या सोचे इस तीनों को देख के, इसको लगेगा यहां पे कोई मेला लगा हुआ है, फन फेयर है ना, उसको इतना समझ नहीं है ये केमिकल कंपोजिशन के बारे में क्या है ये क्या नहीं है, उसको लगेगा कि यहां पे एक मेला लगा हुआ है। मान लो कि एक यंग बॉय आएगा, उसको क्या लगेगा इसको देख के, इसको लगेगा तो कलर रखा हुआ है, हम लोग होली खेलते हैं, चलो होली के लिए रंग रखा हुआ है, रंग खेलते हैं। और मान लीजिए बीएस एक साइंस ग्रेजुएट आएगा यहाँ पे, वो क्या सोचेगा ये सॉल्ट है, वो देख के पता कर लेगा ये सॉल्ट है। और एक पीएचडी स्टूडेंट आएगा, उसको पता क्या चलेगा इसका एग्जैक्ट कॉम्पोजिशन, या ये कॉपर सल्फेट है या सोडियम क्लोराइड है, इस एग्जैक्ट कॉम्पोजिशन को पता चलेगा। तो ये सारा आंसर सही है, ये रंग अलग अलग है और ये सॉल्ट है, ये डिफरेंट डिफरेंट केमिकल कॉम्पोजिशन है, ये सारे चीज़ सही है, बट डिफरेंट ऑब्जर्वेशन है। तो इसी तरह हम लोग जो शास्त्र के बेसिस पर देखते हैं सारे चीजों को, ऐसा नहीं कि गलत है, साइंस भी एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, शास्त्र भी एक पैरेलल लेवल ऑफ ऑब्जर्वेशन है। वो कहते हैं ना जो व्हाट योर माइंड डज नॉट नो योर आइज कैन नॉट सी, सो हमारे लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हमें समझ में आता है कि एग्जैक्टली क्या चीज क्या है। ये चारों चीज गलत नहीं है, लेकिन डिफरेंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से इसको एक्सप्लेन किया गया है। वैसे ही साइंस एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, उसके बियॉन्ड जाता है शास्त्र में, वो और एक अंडरस्टैंडिंग हम लोग बताते हैं। वो क्या है कि उस टाइम जो फिजिकल इवेंट होता है, उस टाइम जो अशुभ चीज़ें होती है, उसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं हम लोग, उसको एक्सप्लेन करते हैं क्योंकि उस टाइम राहु और केतु का जो इविल इन्फ्लुएंस होता है, जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस होता है, उस टाइम ज़्यादा होता है। ये भी कोई अंधविश्वास नहीं है। तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। सिंपल चीज़ क्या है, हम लोग देखेंगे हमारे तीन गुणों हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये जो होमवर्क आप अपने लाइफ में कर सकते हैं, तो जो दिन का समय जो है उसको भी हिसाब से भाग किया गया। सत्वगुण में कौन आता है, 4 से लेके 8 बजे तक सुबह, फिर रजोगुण में आता है 10 से लेके शाम 4 तक, फिर तमोगुण में आता है 8:30 से लेके रात 2 तक। तो कोई भी एक्टिविटी अगर हम लोग आप लोगों का कभी सुबह जल्दी उठ जाएंगे तो ज़्यादा फ्रेश फील करेंगे, और ज़्यादा सो जाएंगे तो बहुत लेथार्जी फील करेंगे। ये क्यों होता है, कभी अगर सूरज नहीं आता है 2-3 दिन तक, इफ सनशाइन नहीं रहता है, हम लोग क्या होते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, है ना। हम लोग जब जाते हैं सी साइड में, सी बीच में, या फिर फॉरेस्ट में, या फिर माउंटेन में, हम लोग क्या हो जाते हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं, हैप्पी हो जाते हैं। तो ये जो ब्रह्मांड का जो सिस्टम है, ये हमारे चेतना और हमारे व्यवहार को इफेक्ट करता है। ये हम लोग अपने लाइफ में देखें, आप आईसीयू में हम लोग देखते हैं, उसको साइकोसिस बोलते हैं। अगर कुछ दिन तक आदमी के पास टाइम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, डे नाइट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, वो पागल हो जाता है ना। क्यों? वो हमारे चेतना और कॉन्शियसनेस को इफेक्ट करते हैं, हमारे सराउंडिंग्स। तो इसी तरह ये ब्रह्मांड में जो भी चीज़ हो रहा है वो हमारे चेतना को भी इफेक्ट करता है।
तो इसीलिए उस टाइम ये बोला गया है कि तुम लोग कुछ बॉडीली एक्टिविटी मत करो, टाइम बचा के स्पिरिचुअल एक्टिविटी करो। तो इसी तरह साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। अगर हम लोग समझेंगे, थोड़ा ब्रॉड माइंड करेंगे अपने आप को और देखेंगे, दे आर कॉम्प्लीमेंटरी टू इच अदर, नॉट कॉन्ट्राडिक्टिंग। हरे कृष्ण।